अंडा बच्ची बमाय अपन फिर से आगे ले क्या आज रियांश भाई का टिकटॉक स्टार का बर्थडे तो डूड आज हम लोग उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कैमरा हिलाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे तो डूड बैंड्रा बीकेसी पार्क सिटी पार्क में जाना है। तो डूड ट्रेन आ गई है, आधी बात मैं आपको आगे बताता हूँ, तो आगे चलते हैं फटफट। अभी एक जो वीडियो दिखाया वो निकाल, इसने छुपके से निकाल दिया, तो उधर वो एक अंकल को थोड़ा आते थे तो उनको मैंने छोड़ दिया, उनको जाने का था कहाँ पे, तो उनको आधे रास्ते छोड़ दिया। तो डूड आज रियांश भाई का बर्थडे जो टिकटॉक किंग है और बहुत बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है, वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, मतलब बोलते ना इतने अच्छे ना स्वभाव से। तो डूड वो सब छोड़ा, आज उनका बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट लेना है, अगर उधर वहाँ शॉप मिला तो गिफ्ट ले लूँगा। तो अभी हम लोग रिक्शा में बैंड्रा के स्टेशन से ईस्ट में आए, हम लोग ईस्ट के साइड, अभी थोड़ा रिक्शा लेके हम यहाँ से डायरेक्ट बीकेसी जाएंगे, एक गिरक के लिए बैठे, तो अभी डायरेक्ट बीकेसी, फिर बीकेसी से रियांश भाई के बर्थडे में देखना है वहाँ क्या हालत होगा क्या नहीं, और आधा बात आपको वहाँ जाके बताता हूँ, बहुत गर्म हो रहा है। तो ठीक है, आगे मिलते, चलो बाय बाय। तो डूड वो रिक्शा वाले अंकल हम लोग को 20 मिनट से या 15 मिनट से बिठा के रखे, डूड एक गिरक आएगा, हम लोग भी सोचे कि हम लोग दो जने तीन जन को लेके, अरे वो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, पिंक कलर का वो मैं जूम करके बताता हूँ, मैं पिंक कलर का, अरे वो पिंक कलर का अंकल दिख रहे ना, वही हमें कभी से बिठा के रखे। दूर भी एक आदमी आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। जो 20 मिनट हो गया क्या, 5 मिनट 10 मिनट 15, दीपेन देख जल्दी, देखो अभी दीपेन गया है दीपेन गया उधर, दीपेन गया। डायरेक्ट बीकेसी जाके ही मिलते। ओ भाई बहुत कंटल आ रहा है यार, 20 मिनट 5 मिनट से बिठा के रखा है दूर। बस हम रियांश के बर्थडे में लेट नहीं होना चाहिए, बस यही दुआ करता हूँ, रियांश के बर्थडे में लेट नहीं होना चाहिए, बस यही दुआ करता हूँ। क्या आइए सिटी पार की रे भाई, बोल रहा डूड रियांश वो इतने ऊंचाई पे भी इतने हाई लेवल पे ना टिकटॉक पे, बट वो ना अपने फैन से एकदम इतने सॉफ्ट बात करते ना, क्या बोले, एक बार उनको मैसेज करो टिकटॉक पे, देखो यहाँ उनके लिंक दे रहा हूँ मैं, जाओ उनको फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में भी उनका नाम दूंगा, तो जाओ उनको फॉलो करो, सभी करते हो गए। तो डूड अभी सिर्फ उनके आने की देरी है, वो यहाँ ही आएंगे लग रहा है, तो है अभी इधर कोई दिख रहा नहीं है ज़्यादा, आगे हो गए पब्लिक तो जाते उधर, फिर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। रियांश भाई वेटिंग, वी आर वेटिंग, वी बोथ आर वेटिंग फॉर यू, फॉर यू 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 यू। ओके तो डूड हम लोग ऑफिस अंदर जाके बाहर आए, तो रियांश भाई यहाँ से ही आएंगे शायद तक दो गेट है, पता नहीं कहाँ से आएंगे, पर यहाँ से आएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, पहला स्वागत रियांश भाई का मैं ही करूँगा। तो डूड गर्मी तो बहुत है, पर रियांश भाई आ रहे तो कुछ गर्मी नहीं लग रही है, मिलने का बहुत शौक है हमें, है कि नहीं दीपेन,
ओके डूड रियान भाई का वेट कर दे। एक बात बोल दूँ डूड, रियान भाई इतने अच्छे ना, सच बोल रहा हूँ, इतने अच्छे ना, अपने से बड़े लोग को भी रिस्पेक्ट देंगे और अपने से छोटे वाले लोगों को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो डूड मेरे को उनका ये बात अच्छा लगता है, इसके लिए मैं उनको फॉलो करता हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा मैं भी उनके जैसे ही बनूँ कि हमसे छोटे वाले को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और बड़े वाले को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। डूड बस यही अच्छी लगती है, बस और कुछ नहीं। रियान भाई का वेट करते हैं, वेट करेंगे। ओके डूड रियान भाई मिल गए, अभी और थोड़ा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना है तो अभी रुकेंगे थोड़ा। 2 hours क्या 1 hour का सफर था, रियान भाई मिल गए हमें पीछे ही ऑफिस। तो डूड अभी क्या सेलिब्रेट करने वाले क्या नहीं मुझे पता नहीं, बट जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और कुछ इंस्पिरेशन का कुछ नहीं पता नहीं, पर अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आगे का आप चेकआउट मारते रहो। रियान भाई को मिल के ना धक 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 हो रहा है, क्योंकि जैसे ही गले मिला ना हिल गया, क्योंकि डूड टिकटॉक स्टार और टिकटॉक स्टार से मिलने का फीलिंग आपको नहीं पता, जब भी आप आएंगे ना ऐसे टिकटॉक स्टार से फुल मज़ा होता है डूड, फीलिंग बहुत डेंजर होती है और बहुत बड़ी होती है। तो एक बार आप भी एक्सपीरियंस कर लो ऐसा गले मिल के टिकटॉक स्टार से कभी, तो आगे का आप देखो सीन। हैशटैग टीम रियान क्या करने वाले नहीं पता, और जो भी करेगा अच्छे करेगा देखते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रियान, हैप्पी बर्थडे टू यू। शेयर कर सर्वांना पण आता सर्वांना चाललं थक तो गए पर थकान महसूस नहीं हो रही, क्योंकि रे से मिल गया है, रे मतलब हम लोग वो रे उनको अच्छा एक वर्ड अच्छा लगता है। तो डूड एक बोलना एक बात बोलना चाहता हूँ, रुक इधर ही, रे जान इतने अच्छे हैं ना, हम रे जान बोलते हैं हम लोग के, मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ टीम रियांश का। तो डूड रे जान इतना बोलते ना डाउन टू अर्थ है ना डूड, छोटे आदमी को कभी छोटा नहीं समझता डूड, वो इतना इज्जत देते ना, वही बस वो एक बात अच्छी लगती है तो उनके वजह से इतने उनके फैन फॉलोइंग बहुत सारे अभी तो आए ना, आज बर्थडे है 12th मई को। तो डूड अगली बार आप लोग भी आ जाना और सेलिब्रेट करना टीम रियांश बर्थडे साथ में। तो डूड तू कुछ बोलेगा? बहुत अच्छा आदमी है, सबको रिस्पेक्ट देता है, सबकी अच्छी से इज्जत करता है, बहुत अच्छा आदमी है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि रेजान हैशटैग टीम रियांश फॉरएवर और हम आपके साथ है। तो यो हैशटैग टीम ये वीडियो रियांश तक पहुँचेगा, ये अगर रियांश भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो रियांश भाई प्लीज़ कमेंट कर देना कुछ, तो आपको जो अच्छे लगे कमेंट कर देना। हैप्पी बर्थडे रियांश, आप मेरे को बोलने तो उधर मिला नहीं क्योंकि बहुत सारे जनते
हैप्पी बर्थडे, आई लव यू, वीडियो में देख लेना, आप वीडियो देख लेना, आई लव यू हैशटैग टीम रियांश फॉर एवर, आई लव यू रेजान, आई लव यू। ओके डूड, वीडियो यही एंड हो रहा है, तो डूड वापिस बोल रहा हूँ, रियांश भाई आई लव यू, और वहाँ कुछ बोलने तो नहीं मिला, जो भी होगा मैं पीसी पे बोल दूंगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो रेजान लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, और हैशटैग टीम रियांश फॉर एवर। ओके इंट्रो, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट द वीडियो एंड टिल देन स्टे देयर हैशटैग टीम रियांश अंकल टीम रियांश भाव ही नहीं दे रहा।